सेंट्रल यूथ कॉलेज के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची भारत सरकार की महालेखा परीक्षक की उप नियंत्रक इला सिंह ने विभिन्न प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्य अतिथि इला सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि 123 साल पुराने इस कॉलेज परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई। अधिक संख्या में छात्राओं को पुरस्कृत होते देख कर अच्छा लगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो दिया जा रहा है उसे मेरे पिताजी ने पहले ही चरित्रार्थ किया, जो आज मैं यहाँ सबके सामने उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों को अपने करियर के प्रति सावधान होना चाहिए, अपने अच्छे विचारों को चरित्रार्थ करें, अच्छी सोच को साकार करने की कोशिश करें जिससे आप एक अच्छे नागरिक बन सके। इस अवसर पर नियंत्रण मंडल के सदस्य डॉक्टर CP गुप्ता, डॉक्टर सुशील कुमार राय, डॉक्टर मोहम्मद तनवीर, डॉक्टर जिलाजीत चौधरी, डॉक्टर विकास सरकार, डॉक्टर शेखर वर्मा, डॉक्टर सुभाष PD, डॉक्टर रविंद्र आनंद, डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव, डॉक्टर अनुग्रह तिवारी, डॉक्टर अमित मसीह, डॉक्टर JK पांडे, डॉक्टर JP यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत सरकार महालेखा परीक्षक की उप नियंत्रक इला सिंह ने कहा, और साथ ही साथ ही बिकेम अ वेरी सीनियर एडवोकेट इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोरखपुर। ही वाज डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल फॉर 17 इयर्स। ही वाज नगर निगम गीडा, BSNL, GDA एंड जिला पंचायत सोशल सर्विस, एंड ही वाज लायंस क्लब डेप्यूटी गवर्नर। मैं एक चीज और आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, उनकी बिटिया ने एक मैसेज याद में, ताकि क्योंकि वो दिल्ली में है, आज आ नहीं सकी हम लोगों के बीच में, उन्होंने लिखा है, अ ग्रेट एंड नोबल सोल लीव्स सच एन अमेजिंग इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड दैट इट विल एंड्योर इन मेनी पीपल्स हार्ट लॉन्ग आफ्टर। हम लोगों के साथ रहेगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सारे बच्चे आ गए हैं, अपनी जीनियस मैम से और प्रिंसिपल मैम से प्लीज बधाई, कंग्रेचुलेशन, और अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, हम कॉलेज परिवार की तरफ से आपका भी स्वागत करते हैं। प्लीज तालियां रुकनी नहीं चाहिए कि बच्चों ने सराज मेमोरियल मेडल जो कि LLB टॉप, कृपया मेडल लेने के बाद पीछे खड़े रहे, फोकस सेशन अभी लास्ट में होगा। श्री अगर आपके पेरेंट्स हैं तो हम आपका भी स्वागत करते हैं अपने बीच में कॉलेज परिवार की तरफ से। श्री SN चौधरी मेमोरियल मेडल, हाईएस्ट मार्क्स इन BA सेकेंड ईयर करते हैं और आपको बहुत बधाई देते हैं कॉलेज परिवार की तरफ से। श्रीमती कांति देवी बधाई देते हैं और उनका बहुत ही वेलकम करते हैं कॉलेज परिवार की तरफ से। श्री साजिद अली मेमोरियल मेडल, श्रीमती सुषमा सरकार मेमोरियल फैकल्टी, श्री विकास डॉक्टर विकास सरकार की मदर के नाम पे इंस्टॉल किया गया है। ज्यादातर महिला संवर्ग को अवार्ड मिल रहा है, ताली जरूर बजाएं। यस सेकंड ना, एक और भी था, एक और भी था। बल्कि अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज में आगे बढ़ चल कर हिस्सा लेती हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई दीपांशा, और ऐसे ही आप तरक्की करें। प्रोफेसर महिपाल सिंह मेमोरियल मेडल, कीप इट अप। एसोसिएशन से बहुत से गेस्ट आए हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर सम्मान कॉलेज गोरखपुर, श्रीमती निशा सिंह, श्रीमती अंजलि श्रीवास्तव, मैडम कंडोई जी हमारे बीच में है। मैडम आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉलेज परिवार की तरफ से। कहूँगी कि आज हमारा कॉलेज 123 साल पुराना हो गया है और पिछले 123 साल में हम इस गोरखपुर में अपनी सेवाएं देते रहे हैं और हमारे यहाँ से लाखों बच्चे निकले हैं पढ़ करके, जिन्होंने समाज की सेवा की है, और
हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। इस फाउंडर्स वीक में तमाम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तमाम कार्यक्रम आयोजित हुए और आज जो है इसका पुरस्कार वितरण समारोह है और इसमें हमारे बहुत ही एक सम्मानित अतिथि उपस्थित है और श्रीमती ईला सिंह, वो डिप्यूटी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं इंडियन रेलवेज़ की और उन्होंने ये उनके साथ कॉलेज का एक प्रेम का रिश्ता है क्योंकि उनके पिताजी यहाँ के एलुमनस रहे और उन्होंने अपने पूजनीय पिताजी की इच्छा को रखते हुए इस कॉलेज को विजिट किया, इस कॉलेज में एक मेमोरियल अवार्ड को इस्टेब्लिश किया और आज वो हमारे बीच में हैं। इसलिए हम तहे दिल से उनके भी आभारी हैं और समस्त लोगों के आभारी हैं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया। धन्यवाद।